हेलो गाइस, तो नमस्कार, हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताने जा रहे हैं कि दोस्तों, मैं तो बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आप लोग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं सर? कुछ तो देखिए, इस गरीब को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ, लोगों को देख देख के मेरे मन में भी कुछ तमन्ना जागता है कि मैं भी कुछ करूँ, आप लोगों के बीच में कुछ बनूँ, ताकि लोग मुझे पसंद कर सके। और हम भाई, कैमरा वाले भाई, हमारा कैमरा को उठाइए थोड़ा। तपली क्यों कर रहे हो, आपको कोई तपली है क्या हम आज बोल रहे हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूँ, मैं ये ब्लॉग बनाने के लिए एक गाँव के जंगल में आया हुआ हूँ, जो बहुत बढ़िया वाला जंगल है और चारों तरफ हरियाली हरियाली छाया हुआ है। और जहाँ जब देखते हैं ना, तो इतना सारा सारा पेड़ लगल है जो कहने का कोई काम ही नहीं है। तो बता दे रहे हैं दोस्तों, ये जंगल जो है ना, बहुत ही अच्छा है। अच्छा कैसे अच्छा है कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जमा हैं और ये जंगल में रखवाली करते हैं। अभी हम आए थे जंगल में, जैसे घुसे तैसे वो आदमी आया डंडा लेके, बोला का करने आया है? हम बोले भैया हम वीडियो बनाने आए हैं। तो बोला कि कुछ करना नहीं। हम बोले का भैया, चोरी करेंगे का? तो बोल रहा है कि नहीं, हम लोग वीडियो बनाना, गाछ उछ नहीं काटोगे? हम बोले ना सर, हम लोग गाछ उछ काटने वाले लग रहे हैं, हम लोग तो कैमरा लेके आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं सोचा ये बात को मैं बयां कैसे करूं, तो इसीलिए मैं आपके जरिए बयां कर दे रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ना मेरा व्यूज बढ़ रहा है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि हमें कुछ थोड़ा ऊपर कीजिए, ताकि हम भी कुछ कर सकें आपकी आपकी सेवा के लिए, कुछ नया नया चीज लाए। धन्यवाद दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए यहाँ का फंडा क्या क्या है। दोस्तों, ये जंगल का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए चारों तरफ बहुत ही घना है, और लोग छोटे छोटे पेड़ को काट के भी ले जाते हैं, जिसके वजह से पुलिस यहाँ घूमती रहती है। और हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कुकुरमुत्ता, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, ये देख रहे हैं बहुत सारे निकलते रहते हैं और ये सड़ चुका है। देखिए दोस्तों, इसको आप देखिए, इसको बोलते हैं मशरूम, यानी कुकुरमुत्ता, जो हमारे इस जंगल में पाए जाते हैं और बहुत ही चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन लोग इसे जगह दूसरे जगह अगर ये मिलता तो लोग उन्हें खाने के में यूज में लाते, लेकिन यहाँ पर जंगल है जिसके वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारा ये क्या होता है कि निकलने के बाद में सड़ जाता है और इसी तरह रह जाता है। तो चलिए आगे की ओर दिखाते हैं, यहाँ के बहुत सारे पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं, बहुत तरह के पेड़ लगे हुए हैं जो एक गार्डन का तरह दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जंगल के बीच से जो रास्ता गई हुई थी, ये रास्ता का नज़ारा है, आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे गांव की ओर जाती है, और ये जो हमारा है, इस रोड में मुझे जाना है, यही रोड जंगल के जो ऑफिस है उन तक जाता है। तो दोस्तों, ये आसमान का नज़ारा है जो देख सकते हैं आप, चारों तरफ पत्ते जो है पेड़ के सटे हुए हैं एक से एक दूसरे से, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। तो दोस्तों, ये वन पर्यावरण का बोर्ड लगा हुआ है, और इसके अंदर से ये रास्ता जो गई हुई है, यही रास्ता में आगे जाके इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग का ऑफिस है, जो यहाँ पर आके रहते हैं और यहाँ का मुआयना करते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर और आपको कुछ और नज़र दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही रास्ता गई हुई है जो चारों ओर बहुत ही हरियाली हरियाली जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, कम से कम तो लग रहा है कि 25-30 किलोमीटर में बसल है। हाँ, और छोटे छोटे, बड़े बड़े, बूढ़े बूढ़े, सब जवान जवान भी पेड़ लगल है। तो देखते हैं आगे की ओर चलते हैं, और देखिए चारों तरफ ये जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। जो केंद्र है, जहाँ जो स्टाफ लोग रहते हैं, मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे वन रक्षक हैं जो जा रहे हैं हेलमेट पहने हुए इस ऑफिस के अंदर, और ये यहाँ का ऑफिस है मान लीजिए इस जंगल का, जो यहाँ से लोग चारों तरफ
का रखवाली करते हैं, और ये हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ भी ये भी ब्लॉग बनाते हैं, इनका सिक्की ब्लॉग नाम से फेमस है। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप लोगों से भी उम्मीद है मुझे कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके बीच में बने रहें और आपको तरह तरह के नए से नए वीडियो ला के आपको दिखाता रहूं, ताकि आप भी खुश और आपका भाई भी खुश। तो जय हिंद, जय भारत।